हा कार्यक्रम संग्रहित असल्याने ध्वनिचित्रमुद्रण सदोष असण्याची शक्यता आहे. गजल सुनने वालों को हसन कमाल का आदाब. गजलों की इस महफिल में आज हम अपने साथ लाए हैं दो ऐसे फनकार जो खूबसूरत भी हैं और खूब आवाज भी. ये फनकार पीनाज मसानी और शोभा जोशी हैं. आप दोनों को जानते हैं, दोनों को देख चुके हैं, इसलिए बगैर किसी तकल्लुफ के मैं सबसे पहले पीनास को दावत सुखन देता हूँ जो इब्राहिम अश्क की गजल लेकर आपके सामने पेश हो रही है. आइए पीनास मिसानी.
पीनाज मसानी की आवाज़ में आपने इब्राहिम अश्क की एक खूबसूरत गज़ल सुनी और अब आपके सामने तशरीफ़ ला रही हैं शोभा जोशी। बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत सधा हुआ सीखा हुआ गला और बहुत पुरसोज लहजा और गज़ल भी यह आपको सुना रही हैं बहादुर शाह जफ़र की, हिंदुस्तान के आखिरी मुगलिया ताजदार जिनकी गज़लों का सोस आज भी दिलों को गर्मा देता है। आइए शोभा जोशी। उसने निखार गए कभी बल
मीनाज मसानी ने बहुत बड़ी और बहुत मशहूर फनकारा मधुरानी के साये में तरबियत पाई है और अक्सर कंपोजिशंस भी खुद मधुरानी की बनाई हुई होती हैं। अब जो गज़ल वो आपको लेकर आ रही आपके सामने आ रही हैं वो सईद राही की है, लेकिन उसकी कंपोजिशन भी मधुरानी ने ही की है। मीनाज मसानी, सईद राही और मधुरानी आपकी खिदमत में पेश हो रहे हैं।
और इस प्रोग्राम की ये आखिरी गजल आपको शोभा जोशी सुनाएंगे। शायर हैं सईद राही और खूबसूरत आवाज़ में शोभा जोशी की उसका असर कुछ और भी बढ़ गया है। मुलाहजा फरमाइए। Steve.
Thank you.